बिरजाभार फुलवारी के अंदर गया और घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक इनारा दिखाई दिया और इनारे के बगल में आसन लगाया और बैठ गया और खंजरी बजाने लगा। बिरजाभार जैसे जैसे खंजरी बजाता वैसे वैसे फुलवारी हरा भरा होने लगा। दोस्तों, जब मालिन को पता चला कि सारा फुलवारी हरा भरा हो गया, तब मालिन तैयार होकर फुलवारी देखने गई। मालिन फुलवारी के अंदर जाकर घूम घूम कर फुलवारी देखने लगी और खुश होने लगी। घूमते घूमते जब इनारा के पास पहुंची, तब उसे योगी बिरजाभार पर नज़र पड़ी। योगी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और मन में बोली, जब फुलवारी 12 बरस से सूखा हुआ था तब कोई नहीं आया और आज फुलवारी हरा भरा हो गया तो मुंह उठाकर चले आए। तब मालिन योगी के पास जाकर बोली, योगी महाराज, आप इस फुलवारी से निकल जाएं। तब योगी बोला, क्यों, मैंने कोई नुकसान कर दिया क्या? तुम क्यों मुझे निकालना चाहती हो? मैं तुम्हारी फुलवारी की देख रेख करूँगा। तुम फुलवारी की फूल की पहली डाली मुझे चढ़ाओ। मालिन इतना सुनते ही योगी बिरजाभार का सारा सामान उठा उठा कर फुलवारी से बाहर फेंक दी और धक्का मारकर योगी को बाहर निकाल दिया। तब योगी बिरजाभार मन में विचार कर खंजरी बजाया और फुलवारी सूख गया। जब मालिन ने देखा कि फुलवारी पहले की तरह सूख गया, तब रोने लगी। तब उसे योगी की याद आई और योगी को खोजने लगी, लेकिन योगी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तब मालिन नदी किनारे गई तो उसे योगी दिखाई दिया। योगी के पास पहुंचकर योगी को मनाने लगी और मनाकर फुलवारी में ले आई। योगी फुलवारी में आकर आसन लगाया और खंजरी बजाने लगा। जैसे जैसे खंजरी बजाता वैसे वैसे फुलवारी हरा होने लगा। मालिन खुशी से झूम उठी और जल्दी से फूल की पहली डाली तोड़कर योगी को चढ़ाया और खुशी खुशी महल के लिए फूल तोड़ने लगी और टोकरी में भरने लगी। योगी अपनी झोरी से हीरा मोती का माला बनाने लगा और मालिन की टोकरी में सबसे नीचे रख दिया। टोकरी भर जाने के बाद मालिन टोकरी लेकर महल की ओर चल पड़ी। फुलवाया जनीर मल ले आई ले हो नीर मल ले आई ले हो और महो कवने करने वे फूल लेके आई ले रे के बारह बरिस से नहीं सूरती देखावलू हो सूरती देखावलू हो और महो आज कैसे Thank you.
चश्मा देखे लगली चोर की हो, देखे लगली चोर की हो, और महो मनिया जड़ल हरवा दे हलरे के। हरवा देखी के सोरठी बोले ली बचनिया हो, बोले ली बचनिया हो, और महो सच बतिया निर्जल मोही बताओ हमरे की।